नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा सरगम। सभी प्रकार के नए और पुराने भजनों को नोटेशन के साथ सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा सरगम को, पाएं नोटेशन सबसे पहले। सभी चैनल मेंबर्स का, सब्सक्राइबर का और व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, श्री राम जी का एक और प्यारा सा भजन हम सीखेंगे। राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखे, इस आसान से भजन को सिर्फ और सिर्फ तीन लाइन हमको इस भजन की सीखनी है और आसानी से हम इस भजन को बजाना सीख जाएंगे। श्री सात मध्य सप्तक से बात करें सुरों की, तो सा रे गा कोमल गा सुद माँ और पा। मंदरक सप्तक दो स्वर हैं, नी कोमल है और पा पा नी सा रे गा गा सुद भी माँ और पा। सिर्फ और सिर्फ तीन लाइन हमको सीखनी है। दोस्तों, किसी भी भजन और गाने को खुद से निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे हारमोनियम और पियानो में तीन ऐसे स्वर हैं जहाँ से हर गाना हर भजन निकलता है। सी शार्प से बात करें तो सा गा सुद या गा कोमल और पा, तीन हमारे स्वर ऐसे हैं जहाँ से हमारा कोई भी भजन की स्टार्टिंग होती है। ये भजन जो है ना, आपको यूट्यूब पर कहीं हारमोनियम और पियानो पर नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद ही निकालने की कोशिश की है। पा से स्टार्टिंग होती है और सा पे जाएंगे। राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखे, ठीक है। राम पा और सा, राम लखन सा, राम लखन माता माता जानकी जानकी रे सानी, राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखे, मैंने सपने में देखे, मैंने सपने में देखे, ठीक है। राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखे। फिर दूसरी लाइन है वो भी सेम रहेगी। चरणों में बैठे हनुमान जी मैंने सपने में देखे, चरणों में बैठे हनुमान जी मैंने सपने में देखे, ठीक है। राम लखन माता जानकी मैंने सपने में देखे, चरणों में बैठे हनुमान जी मैंने सपने में देखे। ठीक है, बात करें अंतरे की, तो एक लाइन अंतरे की सीखनी है। अंतरे की स्टार्टिंग सा से। चारों तरफ उनके सरयू नदी है, बस चारों तरफ सा गा सुद मापा, चारों तरफ सा गा मापा, चारों तरफ उनके उनके पामा उनके सरयू सरयू गा और मा, सरयू नदी नदी पा कोमल गा और रे नदी है। चारों तरफ उनके सरयू नदी है, ठीक है। चारों तरफ उनके, चारों तरफ उनके सरयू नदी है। फिर बीच में उनके अवधपुरी है, ये लाइन भी सेम। बीच में उनके, बीच में उनके अवधपुरी है, ठीक है। बीच में उनके अवधपुरी है, चारों तरफ उनके सरयू नदी है, बीच में उनके
अवधपुरी है। फिर वहीं पे रहते मेरे राम जी, मैंने सपने में देखे। वहीं पे रहते मेरे राम जी, मैंने सपने में देखे। राम लखन माता जानकी, मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी, मैंने सपने में देखे। सारे अंतरे सेम चलेंगे, चार अंतरे हैं इसमें। दूसरा अंतरा है, चारों तरफ उनके देव खड़े हैं, चारों तरफ उनके देव खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, है ना। चारों तरफ उनके देव खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। बीच में खड़े मेरे राम जी, मैंने सपने में देखे। बीच में खड़े मेरे राम जी, मैंने सपने में देखे। राम लखन माता जानकी, मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी, मैंने सपने में देखे। नेक्स्ट तंत्रा, चारों तरफ उनके माता जी खड़ी हैं, चारों तरफ उनके माता जी खड़ी हैं। कौशल्या के कई सुमित्रा खड़ी हैं, चारों तरफ उनके माता जी खड़ी हैं। कौशल्या के कई सुमित्रा खड़ी हैं। बीच में खड़ी माता जानकी, मैंने सपने में देखे। राम लखन माता जानकी, मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी, मैंने सपने में देखे। चौथा अंतरा है, अवधपुरी में धूम मची है, अवधपुरी में धूम मची है। जगमग जगमग दीप जले हैं, जगमग जगमग दीप जले हैं। आरती उतारे प्रभु राम की, मैंने सपने में देखे। आरती उतारे प्रभु राम की, मैंने सपने में देखे। राम लखन माता जानकी, मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी, मैंने सपने में देखे। तो दोस्तों, सिर्फ तीन लाइन का ये भजन आपने सीख लिया तो आसानी से बजाना सीख जाएंगे। जय सियाराम।